नमस्कार एंड वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET BEd रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज कॉइंड बाय। बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा जो कि ये दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि पाउलो फ्रेरी के द्वारा जो कि दिया गया है। बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में क्या होता है कि एक होते हैं डिपोजिटर एंड एक होते हैं डिपोजिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि डिपोजिटर जो कि रहेंगे यहाँ पे टीचर्स है। ठीक है, और डिपोजिटरी जो कि रहेंगे स्टूडेंट्स है। तो ऐसे जो कि इसको जो कि है बैंक से जो कि यहाँ पर इसका रिलेट किया गया है, जैसे कि बैंक में पैसा जमा किया जाता है, टीचर जो कि है इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो कि है डिपोजिट मतलब स्टूडेंट्स के अंदर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके का जो कि एक पैसिव प्रोसेस हो गया, जो कि लेक्चर मेथड यहाँ पर आप बोल सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। टीचर ओनली यहाँ पर एक्टिव रहेंगे और स्टूडेंट जो कि है पैसिव लिसनर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बैंकिंग कंसेप्ट जो कि दिया गया है पाउलो फ्रेरी के द्वारा जो कि ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग। लर्निंग क्या है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट रहेगा जो कि इम्प्लाइज चेंज इन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, ये भी ठीक है। ऑल इम्प्लाइज चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, सारे टाइप का चेंजेस जो कि ग्रोथ एंड मैच्योरेशन से होता है, तो ये आपका नहीं रहेगा। एंड डी जो कि रहेगा इम्प्लाइज दैट चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, तो ये भी आपका लर्निंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए बी एंड डी ये सारे जो कि लर्निंग में यहाँ पर आपका आ जाएंगे, तो ऑप्शन थ्री जो कि रहेगा ए बी डी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासेस व्हिच कवर एट सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के हिसाब से सेकेंडरी स्टेज जो कि है कौन कौन सा क्लासेस जो कि यहाँ पर आ जाएंगे सेकेंडरी स्टेज के अंडर में। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा क्लासेस 6 to 9, क्लासेस 9 to 12, क्लासेस 6 to 8 एंड क्लासेस 11 and 12। फ्रेंड्स, राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा ये क्लासेस 9 to 12 जो कि सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जो कि न्यू एनईपी यहां पर रहेगा, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो कि करंट जो कि यहां पर आपका स्ट्रक्चर जो कि रहेगा ये 5+3+3+4। ठीक है, ये आपका प्रीवियस वाला था, ये आपका न्यू होगा। तो यहां पर हम देखें तो चार स्टेज जो कि रहेगा फाउंडेशनल प्रीपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्टेज जो कि यहाँ पर आपका रहेगा क्लासेस 9 to 12, एज ग्रुप जो कि रहेगा ये 14 to 18, उसके बाद जो कि आपका मिडिल क्लास जो कि आपका रहेगा ये 3 ईयर का है क्योंकि क्लासेस 6 to 8 है और एज ग्रुप 11 to 14। प्रीपरेटरी जो कि रहेगा ये भी 3 ईयर का है जो कि क्लासेस 3 to 5 होगा, जो कि एज यहाँ पर आपका रहेगा 8 to 11। ठीक है, उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका फर्स्ट जो कि आपका स्टेज है ये फाउंडेशनल, ये आपका 5 ईयर का है, जैसे कि यहाँ पर आपका 3 ईयर है कि आंगनबाड़ी प्री स्कूल बालवाटिका जो कि आपका रहेगा एज ग्रुप 3 to 6। उसके बाद जो कि आपका रहेगा 2 ईयर जो कि रहेगा क्लास 1 and 2, एज ग्रुप 6 to 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको देख सकते हो ओके फाउंडेशनल से जो कि आपका सेकेंडरी स्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट है निष्ठा। निष्ठा एक क्या है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है ए नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंटरी लेवल। ठीक है, तो ये आपका ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। नेक्स्ट आपका रहेगा ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्टाफ, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका रहेगा ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, ये भी ठीक है। ऑप्शन जो कि आपका डी रहेगा, जो कि स्टेटमेंट डी रहेगा, ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए एंड सी जो कि यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही आंसर रहेगा, ए एंड सी। तो चलिए हम निष्ठा के बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। निष्ठा जो कि रहेगा ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका फुल फॉर्म रहेगा। और भी इसके बारे में हम जाने तो जैसे कि रहेगा द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेशिप हैज़ लॉन्च्ड ए नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंटरी लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा 2019-20। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा निष्ठा इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, इट्स एम टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी एमंग ऑल द टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल एट द एलिमेंटरी स्टेज। ठीक है, तो ये एलिमेंटरी स्टेज में आ जाता है। नेक्स्ट आपका रहेगा निष्ठा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मासिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू एनकरेज द फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, द इनिशिएटिव इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स वेयर इन स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉडल्स आर डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, तो ये आपका डिटेल आपका रहेगा निष्ठा के बारे में, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटफॉर्म ऑफ मूक्स, तो मूक का जो कि यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो कर्सोरा ये आपका रहेगा, EDX भी है, फ्यूचर लर्न भी है, MIT मैसाचुसेट्स जो कि रहेगा ये आपका नहीं है, एंड स्वयं भी है। तो यहाँ पर आपका डी ओनली जो कि नहीं है और बाकी सब है। ठीक है, नॉट ए प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको पूछा गया तो डी ओनली आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर MIT जो कि इसका एक नहीं है प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल जो कि MOOC के बारे में, MOOC का फुल फॉर्म रहेगा जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस कोर्स जो कि आपका रहेगा। इसका डिटेल भी आपका देख सकते हो, M का मतलब क्या है, O का सारे यहाँ पर आपका डिटेल में है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो ये आपका रहेगा MOOC प्रोवाइडर और कंट्री का नेम यहाँ पर आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी का चेक कर सकते हो, EDX, कर्सोरा ये सारे जो कि रहेंगे ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट रहेगा सेम सब्जेक्ट शुड नॉट बी कैप्ट फॉर टू कंजिक्यूटिव पीरियड्स इन ए टाइम टेबल। एक टाइम टेबल में दो सेम सब्जेक्ट जो कि कंजिक्यूटिव पीरियड नहीं रहना चाहिए, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन का ही कौन सा प्रिंसिपल से जो कि रिलेट है। ठीक है, दो सब्जेक्ट जो कि सेम सब्जेक्ट कंजिक्यूटिव दो पीरियड नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन का कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी में यहाँ पर हम देखें तो नो सब्जेक्ट एक्सेप्ट साइंस प्रैक्टिकल शुड केप्ट फॉर टू कंजिक्यूटिव पीरियड्स। तो दो सब्जेक्ट को आप कंजिक्यूटिव पीरियड में नहीं रख सकते हो एक्सेप्ट साइंस प्रैक्टिकल। साइंस प्रैक्टिकल हो सकता है, दो पीरियड आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये सर जो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कि प्रिंसिपल है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो NCF जो कि है पब्लिकेशन हुआ है बहुत सारे ईयर में, तो उसको आपको कंजिक्यूटिव ईयर कौन कौन सा रहेगा उसको जो कि आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे जो कि यहाँ पर आपका ईयर है 1972 जो कि रहेगा ये तो नहीं है, 1975 है तो यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक है, 1988 भी है, सी भी होगा, 2000 आपका नहीं है। ठीक है, और 2005 है जो कि ई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 1975 होगा, उसके बाद 88 एंड उसके बाद 2005, तो बी सी ई जो कि यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो बी सी ई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज रिकमेंडेड बाय पियाजेट। पियाजेट के द्वारा जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो कि स्टेजेस दिया गया इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो कि रहेगा सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें जो कि उनका जो कि फर्स्ट जो कि स्टेज है सेंसरी मोटर, तो ये आपका पहले होगा। ठीक है, तो ये होगा, उसके बाद जो कि आपका रहेगा सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल होता है जो कि सी होगा, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि बी है, एंड लास्ट जो कि रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि डी है। तो ए सी बी डी जो कि ये आपका रहेगा। ठीक है, अरेंज करने से तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सभी स्टेजेस का जो कि डिटेल में है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एज ग्रुप। तो NCERT से जो कि ये लाया गया है, सेंसरी मोटर जो कि रहेगा 0 to 2 ईयर, इसका जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस विद फिजिकल एक्शन। तो सेंस को यूज करके जो कि ये करेगा सब कुछ सेंसरी मोटर में। प्री ऑपरेशनल जो कि रहेगा 2 to 7 ईयर, सिंबॉलिक थॉट डेवलप, ऑब्जर्व परमानेंस इज एस्टेब्लिश, ये सारे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि रहेगा 7 to 11 होगा, एंड फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 11 to 11 above जो कि आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल बी द सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम देखें तो NEP 2020 के हिसाब से एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि बनाया गया है, जो कि सिंगल रेगुलेटर बॉडी है कौन सा डिसिप्लिन को छोड़ के, टीचर एजुकेशन, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल साइंस, मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को छोड़ के, ये डिसिप्लिन को छोड़ के जो कि है ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1 में रहेगा NCERT, UGC, QCI, NIEPA। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा जो कि लिस्ट 2 में जो कि
किसका फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखें तो जो भी आपको पहले पता है उसके बारे में करिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम NCERT, तो NCERT यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि रहेगा टीचर ट्रेनिंग का, जो कि रहेगा ये इसका फुल फॉर्म से आपको पता चल गया होगा, टू अंडरटेक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि आपका रहेगा ए का थर्ड होगा। तो ए का थर्ड जो कि यहाँ पर आपका दो ही ऑप्शन में है, 1 और 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर 4 और कट गया 3 और 4। तो नेक्स्ट आपका रहेगा जो कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि ग्रांट देता है, पैसा देता है। तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हो जो कि प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड एक्रेडिटेशन टू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, तो आपका रहेगा जो कि बी का होगा 1। तो बी का 1 जो कि आपका एक ही ऑप्शन में जो कि रहेगा जो कि 2 में है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो सी का होगा 4 जो कि QCI जो कि क्या है, क्रिएट ए मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट और प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेसेस, ठीक है। और NIEPA का क्या होगा देख सकते हो जो कि डी का होगा 2nd, टू फोकस ऑन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन, ठीक। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। सो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही था, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।